Hello. The young couple, yes, the young couple is here again. And you know, when we come like this, we come with a new idea. And वो नया आइडिया कैसे सूझता है मुझे हमें खुद पता नहीं है बस कभी इसको सूझ जाता है कभी मुझको सूझ जाता है तो जब सूझ जाता है तो फिर हम हाजिर हो जाते हैं और वैसे तो खैर उससे तो नहीं सूझा था पर वो मुझे अब बात याद आ गई नूरजहां इधर आई थी बल्का तरन्नम नूरजहां तो नूरजहां थी या कोई और थी जोड़ी गांधी है सिंगर मलका तरन्नम नूरजहां भाई तो वो आके इधर इंडिया में आई थी तो उसने एक बात कही थी वो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी तो उसने कहा कि हम फनकार को जो पता है हम फनकारों को तो वो कौम की अमानत है तो जब मैं आई हूँ तो जो मुझे पता है वो मैं ज़रूर हाजरे खिदमत करूँगी वो मैं ज़रूर गाऊँगी जो मैं गाती तो उससे मुझे ये ख्याल आया कि जो मुझे पता है वो भी कौम की अमानत है मुझे अगर उर्दू का ज्ञान है तो ज्ञान का शब्द जानबूझ के बोल रहा हूँ मैं कि जो मुझे उर्दू का ज्ञान है तो वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा तो वो सेवा जो है वो मैं दूंगा वो जो खिदमत हो मैं सारा अंजाम दूंगा वो खिदमत क्या है आप गज़लें सुनते हैं और अक्सर बहुत सारी गज़लें ऐसी होती हैं जो बड़ी मुश्किल होती हैं तो वो जो मुश्किल गज़लें हैं उसका फिर पूरा लुत्फ नहीं रहता आप अंदाज़ा लगा लेते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको सजेस्ट भी करूं कि कौन सी गज़ल सुनिए और फिर उसका आपको थोड़ा सा बता दूं आप जाना चाहें तो आप मैं उनको जाना है कहीं तो मैंने कहा आप जाइए मैं बाकी आप आगे बाकी तो आगे तो काम मैंने ही करना है तो पहली गज़ल मैंने उसी की चुनी है मुझे मलका जिसका मैं नूरजहां मलका तरन्नम नूरजहां बेगम की वो गज़ल है आपको मैं बता देता अगर आपने हो सकता है सुनी भी हो क्योंकि बड़ी मशहूर गज़ल है लेकिन इसलिए चुनी है कि मुश्किल है तो मैंने लिखी हुई है हो सकता है कि पूरी क्योंकि आज ही सिलसिला शुरू किया है तो मैंने पूरी तरह से लिखी भी नहीं कोई एक आध लफ्ज़ छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कोशिश तो मैंने की है कि मैंने दो तीन बार सुन के लिखी है तो पहली गज़ल क्या है दयारे नूर में चीरा शबों का साथी हो कोई तो हो जो मेरी वाशितों का साथी हो दयार होता है शहर नूर होता है रोशनी वाला तो तीरा बोलते हैं रात डार्क रात को शब रात को बोलते हैं तो दियारे नूर में तीरा शबों का साथी हो यानी अंधेरी रातों में शहर तो रोशनियों वाला है लेकिन जब तीरा रातें हों अंधेरी रातें हों तब मेरा वो साथी हो और कोई तो हो मेरी वाशतों का साथी हो वाशतों का क्या होता है चलेपन के जिन मतलब जिन रातों को मैंने मान लीजिए कि मौज मेला करना है और खुराफात करनी है तो वो मेरा साथी होना चाहिए यानी मौज मेले में जो तीरा शब का यही मतलब है तो वो मेरा साथ दे जब कुछ यार लोग करते हैं मिलके मौज मेला तो वो बड़े से अच्छा नहीं उसको समझते ना खैर मतलब आप समझिए इसका कि दियारे नूर में तीरा शबों का साथी हो कोई तो हो मेरी वाशितों का साथी हो दूसरा शेर क्या है मैं उससे झूठ भी बोलूं वो मुझसे सच बोले मैं उससे झूठ भी बोलूं वो
मुझसे सच बोलो, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। मेरा जो भी मिजाज हो उसका साथी हो, मेरा जो भी मिजाज है। मेरे नाम की निस्बत से मोतबिर ठहरे, मेरे नाम की निस्बत से मोतबर ठहरे, गली गली में मेरी रुसवाइयों का साथी हो। यानी अगर मैंने जो बुरे काम भी करने हैं जिसमें मैं रुसवा होना है, तो वो भी मेरे वो जाने इसी नाम से जाए कि वो बंदा जिड़ा दे नाल गली गली में मेरी रुसवाइयों का साथी। मेरे नाम से मोतबिर होता है तो वैसे तो नाम वाला, मतलब जिसका नाम मोतबिर है बड़ा, ये तो ये किस किस्म का मोतबिर? रुसवाइयों का। मैं उसके हाथ ना आऊँ वो मेरा हो के रहे, मैं गिर पड़ूँ तो मेरी पस्तियों का साथी हो। मैं उसके हाथ ना आऊँ, ये सीधा सीधा लफ्ज है, मैं गिर पड़ूँ तो मेरी पस्तियों, पस्ती होती है गिर पड़ना, गिर पड़ूँ पस्ती, पस्ती मीन्स नीच, लो लो ना, पस्ती एक होता है ना हायर तो ये होता है लो, तो मैं गिर पड़ूँ तो मेरी पस्तियों का पस्ती। एक्चुअली मॉरली यहाँ यूज़ किया गया है कि भाई मैं अगर कोई बुरे कामों में पड़ जाऊँ तो वो मेरा साथी हो। वो ख्वाब भी देखे मेरे हवाले से, वो ख्वाब भी देखे मेरे हवाले से, मेरे ख्याल की सब मंजरों का साथी हो। कि जो मेरा ख्याल है जेड़े उसके मंजर हैं, मेरे ख्याल के सब मंजरों का साथी हो। ये आपको गज़ल मिल जाएगी YouTube में से, और बड़ी अच्छी गाई हुई है उसने, बड़े अच्छे लिबास में गाई हुई है, वैसे हमेशा ही अच्छा लिबास पहनती है। उसके अलावा उस मैंने और बाकी गज़लें सुन के तो ये देखा है कि उस गज़ल में पांच शेरों में ये आपको शेर नहीं मिलेगा, आप वो भी सुन लीजिए। वो किसी ने बोल के वैसे बोला हुआ है तो उसने छोड़ा हुआ है, शायद उसको लंबा ज़्यादा लगा होगा, तो वो शेर भी मैंने निकाल लिया है। वो करे कलाम मुझसे वो मेरे लहजे में, मैं चुप रहूं तो मेरे तेवरों का साथी हो। कहता मुझसे वो जो बातचीत करे तो मेरे लहजे में करे, कलाम होता है बातचीत करना, मैं चुप रहूं तो मेरे तेवरों का साथी हो। तेवर क्या होते हैं आप समझ सकते हैं, एक्सप्रेशन जो हैं उससे बात करें। एक शेर उसका लास्ट में वो किसी और ने गाया हुआ है, वो उसमें उसका जो दूसरा आखिर दूसरा मिसरा है वो ये है कि वो मेरे नफ्स की गहराइयों का साथी हो। वो ये है कि मैं चुप रहूं वो मुझे देखता रहे, वो मेरे नफ्स की गहराइयों का साथी हो। तो ये आप गज़ल सुनिए और बहुत आनंद पाओगे आप। ये तो सिर्फ आपको बताया कि आप वो सुन लीजिए। तो एक दूसरी गज़ल मैं आपको रिकमेंड वो करूँगा, वो भी इसी की है, नूरजहाँ की गाई हुई है, और इसकी खासियत ये है कि इसका म्यूज़िक भी इसने कंपोज किया है। शेर मतलब अशार बहुत अच्छे हैं, तो उसने इसका ये म्यूज़िक खुद कंपोज किया हुआ है। वो क्या है, सिलसिले तोड़ गया वो जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे कि आते जाते। मरासम होते हैं रिलेशनशिप, तो क्या कह रहे कि सिलसिले तोड़ गया सभी वो जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे कि आते जाते। यानी आते जाते तो रहना चाहिए था, तो वो सिलसिले सारे ही तोड़ गए। तो अब ये क्या है,
शिकवाए शिकवता शिकवाए जुल्म ते शब्द, जिसका दूसरा शेर है, शिकवाए जुल्म ते शब्द से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाते। एक तो है शिकवा करना होता है कि जुल्मत है यानी बड़ा अंधेरा है, तो कि भाई जो शक कि जो रात है वो बहुत अंधेरी है, ये बड़ी जुल्मत वाली है, तो भाई इससे गिला ना करो, इससे तो क्या बेहतर था कि अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाते। अच्छा, अब तीसरा शेर क्या है, ने आसान जाना तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। यानी शेर क्या है कि हमने आसान जाना था कि तेरे हिजर में तेरी जुदाई में मर जाना आसान है, फिर भी कितनी देर लगी, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। तो इसका एक चौथा शेर क्या है कि उसकी वो जाने कि उसके पास से वफा था ना कहता, उसकी वो जाने उसे पास से वफा था कि न था। वफा मीन्स यानी पास, पास वफा होता है कि मोहब्बत को निभाना, उसकी वो जाने तो उसके पास था कि नहीं था, तुम अपनी तरफ से तो निभाते जाते। ये उसकी, ये भी गजल उसी की गाई हुई है कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि पासे वफा था कि ना था, तुम अपनी तरफ से तो निभाते जाते। तो ये दो गजलें तो मुझे उसकी अच्छी लगी। और तीसरा एक छोटी सी गज़ल है छोटी बहर की, और वो इतनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो गज़ल सुनने वाली है, वो आप ज़रूर सुन लीजिए, वो भी आपको मिल जाएगी इसी से यूट्यूब से। वो गज़ल क्या है, ये भी तीन चार लोगों की गाई हुई है, मेल की भी गाई हुई है, फीमेल की, यानी ये आप मेरे कहने से ये दो गज़लें और एक ये तीसरी सुन लीजिए। नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। सो जल्द आसान शेर है, आज देखा है बड़ी देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। देखिए क्या विषय, आज देखा है उसे बड़े दिनों के बाद, आज का दिन कहीं, आज का दिन गुजर ना जाए कहीं। तो तीसरा शेर क्या है, आरजू है कि तू यहाँ आए, आरजू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। वो क्या ख्वाहिश है, और ये है चौथा शेर है कि मिला करना उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं। ये गजल भी छोटी है, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये सुनने वाली है। तो आज का दिन इतना ही, फिर मज़ीद गज़लें चुन के तो मैं देखते हैं। पहली तो बात ये, आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि आपको ये ठीक लगेगा कि मैं जो मुश्किल अशआर हैं वो मुश्किल अल्फाज के मतलब मैं पहले बता दिया करूं और आप वो सुन लें, थोड़ा सा संगीत ज़रूर सुन लीजिए।
देखिए गज़लें तो बेशुमार हैं, आप सुनते भी रहते होंगे, गुलाम अली की हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा गाते हैं, और जो बेगम अख्तर थी उसकी बेशुमार हैं, और बेगम अख्तर की बहुत सारी गज़लें हैं जो थोड़ी मुश्किल हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि वो गज़ल चुनूँ जो मुश्किल है उसको आप, लेकिन हो अच्छी सुनने के लायक, तो और वो आपको मैं इसके हो सके तो आपको मैं ये, अगर आप लिखना चाहें वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जब बोलते हैं गज़ल, आप मान लीजिए कि मेरे कहने से आप सुनते हैं तो फिर अल्फाज तो आपको उसके मिल ही जाएंगे। मैं आप यूँ आपको शेर समझाने के लिए ज़रूर बोलूँगा। तो देखिए ये सिलसिला कैसे चलता है और आपको पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि जब आम में लोगों से मिलते हैं आपने या वाकफ़ारों से, दोस्तों से, तो हमेशा ही पूछते हैं कि इसका क्या लफ्ज़ है, मतलब क्या। वैसे तो डिक्शनरी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और लेकिन मुझे पता है कि ज़्यादा लोग जहमत नहीं करते, बस समझ में आ गए। लेकिन ये जो यहाँ एक मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो गज़लें सुनने वाली हैं। उसमें आपको मैंने आज तीन कही हैं कि एक तो वो सिलसिले तोड़ गए जाते जाते, और पहले जो बताया था कि दियार नूर में तीरा शबों का साथी हो, और चौथी जो आई मीन जो छोटी सी चार शेरों वाली के नियत शौक भर न जाए कहीं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप अगर कमेंट कर देंगे तो अच्छा है, मुझे पता चल जाएगा भी, बल्कि आप मुझे मशवरा दे सकते हैं कि ऐसे कर लो, मशवरा अच्छा होता है, मशवरे में मान लिया करूँगा। ओके बाय।